हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप बहुत आसानी से कैसे गूगल पे और गूगल पे बिजनेस से अपना QR कोड और UPI ID को निकल सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल पे चला जाना है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि कोई भी स्टेप मिस हुआ तो आपका पैसा दूसरे के अकाउंट में जा सकता है। तो सबसे पहले गूगल पे आने के बाद देखिए, साइड में ऐसा एक लोगो बना हुआ रहेगा, ये आपका लोगो हो सकता है, दूसरे का आपका जो अकाउंट का लोगो है वो बना हुआ रहेगा। तो सिंपली इस पर आपको चला जाना है। सिंपली इधर पे जाने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। इधर से देखिए, योर QR कोड का एक ऑप्शन बना हुआ है, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी देखिए, इधर पे आने के बाद आपका जो पूरा UPI ID है और QR कोड है ये बना हुआ है। सबसे पहले देखिए QR कोड है, उसके नीचे देखिए आपका UPI ID जो है वो लिखा हुआ है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको कॉपी कर सकते हो और किसी को भी भेज सकते हो। और डायरेक्टली इधर से आपको भेजना है तो देखिए नीचे लिखा हुआ है, इधर पे शेयर QR कोड का एक ऑप्शन है, इधर पे आपको क्लिक करना है और किसी को भी आप शेयर कर सकते हो। और किसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपके इधर पे मल्टीपल अकाउंट जो है वो कनेक्टेड रहता है, तो दूसरा जो अकाउंट है उसका आप कैसे इसको निकलवा सकते हो, मतलब QR कोड और UPI ID को। सबसे पहले देखिए, इधर पे आपका जो बैंक है इसका नाम लिखा हुआ है, देखिए मेरा जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देखिए इधर पे मेरा दो अकाउंट कनेक्टेड है, तो दो अकाउंट इधर पे शो कर रहा है। तो मैं अभी सेकेंड अकाउंट का निकलवाना चाहता हूँ, तो इस पर आपको क्लिक करना, मतलब मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए सिलेक्ट करने के बाद इधर पे डन पे क्लिक करना है। अभी देखिए मेरा जो सेकेंड अकाउंट है उसका भी देखिए इधर पे UPI ID और QR कोड आ गया है। सिंपली इस पर क्लिक करके मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ और किसी को भी भेज सकता हूँ। अभी गूगल पे बिजनेस में ये कैसे करना है चलिए दिखा देते हैं। तो इधर से निकल जाना है आपको, अभी गूगल पे बिजनेस पे आपको चला जाना है। देख लीजिए, बहुत ही आसान प्रोसेस है लेकिन बहुत ही सेंसिटिव प्रोसेस है, तो आपको अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए गूगल पे बिजनेस पे आने के बाद माई QR कोड का एक ऑप्शन बना हुआ है, अभी इधर पे आपको जाना है। जाने के बाद देखिए पूरा जो आपका QR कोड है ये बना हुआ है और नीचे देखिए आपका UPI ID पूरा लिखा हुआ है। तो सिंपली शेयर पे क्लिक करके आप किसी को भी इसको शेयर कर सकते हो, और ऐसे नहीं करना है, इसको कॉपी करना है तो इधर पे क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो दोस्तों से शेयर कर देना, और आगे ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।